और जब ये बात गोपीचंद ने अपनी माँ को कही तो अपनी माँ को धमका देता है, कहता कि माँ मेरी आंखों के सामने से चली जा, पहले तो मैंने जोग देवा चली और अब उल्टा लेने के लिए वापिस आएगी, चली जा नहीं मैं चलूंगा। अब गोपीचंद के गुरु गोरख जलंधर नाथ ने कहने लगे कि गोपीचंद तने जोग तो ले लिया लेकिन तेरा जोग जब सफल होगा, जब तू अपनी ब्याही पाटम देता माँ कह के भिक्षा लाओगा, तो एक बात के द्वारा गुरु गोरख नाथ जलंधर गोपीचंद को एक बात के द्वारा न्यू करने लगे। आए पाटम देने माँ कह के तने भिक्षा लानी होगी, अरे जोग सफल हो जब मेरे मुंह ते सच्ची बाणी होगी। पाटम देने समझना चाहिए ज्ञान विराग धर्म की मान
सबर समझना चाहिए। दिखे रात दिना कर सेवा सच्चा दाम समझना चाहिए। ज्ञान के लेख खोल गुरु भगवान समझना चाहिए। ज्ञान के लेख सतगुरु बिना ज्ञान कित पावे। सतगुरु बिना ज्ञान कित पावे। वो एक कर्म की हानि होगी जोग सफल हो जब मेरे मुंह ते सच्ची वाणी होगी। पाठ मते ना माग करो तेरी सलाही होगी। हो जोग सफल हो जब मेरे मुंह ते सच्ची वाणी सच्चे ते। अरे अपने भाव धर्म सच्चे ते। चल बर नहीं हले हो योग के साधन पराक्रम से योगी संत भले हो। ओए इसलिए थारी मान बढ़ाई क्योंकि रस्ते ठीक चले हो। जैसे लक्ष्मी चंद गुरु मान सिंह ने वैसे तुम आप मिले हो। मेरी नाव पड़ी मजेदार बीच में रे। नाव पड़ी मजेदार बीच में यत पार लगानी होगी। जोग सफल हो जब मेरे साथियों। गुरु जी ने जब इतनी बात कही गोपी चंद ते तो गोपी चंद ने अपनी रानी पाटन देते माँ कह के भिक्षा लानी होगी जब तेरा जोग सफल होगा। अब गुरु की आज्ञा पाके गोपी चंद लेके झोली चल पड़ता है और अपनी रानी पाटन देके महल के नीचे आके आवाज लगाता है कि माई भिक्षा घाल दे। जब एकदम ये आवाज साधु की सुनी तो कुछ जानी पहचानी सी लगी। एकदम गात में झटका लग गया और हाथ में भिक्षा ले गए चल पड़ती है। किस तरह से क्या सोचती चली ध्यान दें। जब भी आप हरियाणवी कंपटीशन की कैसेट खरीदें तो चिता ही कैसेट खरीदें। जो ये रागनी की वार्ता बताई थी ये रागनी साइड बी में सुनिए। इंतजार रखिए। धन्यवाद।